हमारे एग्रीकल्चर के सुरेश जी सर, जो भी केमिस्ट्री की क्लास लेते हैं जीनियस क्लासेज में, और आज किसान दिवस पर इन्होंने खेतों का दौरा कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यार ये फसल देखो गलत है, ये फसल है ना, ये फसलों के बारे इस में फसल की जानकारी ना देते बताओ, हैं, ये क्या सही होगी क्या ना, क्या कमी है सुरेश इससे जी ये कमी इनमें। है कि सूर है ना उनको पकड़ो, यहाँ पे सूर जाली लगाओ, अच्छा सूर जाली सर, लगेगी ना तो सूर पकड़ में आ जाएंगे, तो सूर पकड़ में आ जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, तो यही आपको समझाना चाहता हूँ मैं। सुरेश जी, सुअर किस प्रकार हानि पहुंचा रही है क्रॉप्स को? इसमें हानि पहुँचा रहा है कि इसमें पास में सरसों है, लंबी फसल, तो लंबी फसल के अंदर गुफा बना दी सूअरों ने, तो डायरेक्ट अंदर आते हैं, आक्रमण करते हैं, वो खा के सुरेश सो जी, आप जाते हैं। थोड़ा सा फील्ड में आके बताइए प्रैक्टिकल तौर पे, देखा दिखाना एक बार कैसा हाँ है। देख सकते हो, ये फसल है जैसे ये गेहूं के यहाँ पे, लेकिन अच्छा इस सर, लाइन में सूअरों ने खा ली है गेहूं, अच्छा सर, किस लिए खाया, क्योंकि हमारी ये निगरानी नहीं हो रही यहाँ पे सही तरीके से, बिल्कुल और सर। राज्य और सरकार सुरेश जी, को, केंद्र सरकार को सीधा ऑन देखो टाइम सर, करना। इनका कहना है कि ये इस प्रकार, देखो बीच बीच में सूरों ने हाँ अधिक हानि पहुंचा रखी है क्रॉप्स को, ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा अब इसका क्रॉप्स कोई है, मतलब नहीं ये निकल रहा देखो है, ये एग्रीकल्चर के दिन आज प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा रही है, हाँ देखो। कुल नुकसान हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं कि मतलब खेती बड़ा साधन होती है, लेकिन खेती आजकल बेरोजगारों के लिए बहुत वरदान भी साबित हो रही है दोस्तों। अच्छा सुरेश जी, आपको हाँ जीनियस क्लासेज पे कितने घंटे क्लासे लेनी पड़ती है? जीनियस क्लासेस पे अपने नया स्टार्टअप शुरू किया, अगर कोई भी टीचर बनना चाहता है, रीट वीट की परीक्षा मत दो, डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो मैं आपको, रीट के पीछे भागोगे तो मर जाओगे तुम, रीट का एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि उसमें सिलेक्शन बहुत कम होता अच्छा है। सुरेश जी, आप इस प्लेटफॉर्म पे किस किस की तैयारी करवाते हो हम प्रिपरेशन इस के? पे जिसकी भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है अगर करना हो, लेकिन हम इसके ऊपर लोगों को डेवलपमेंट करते हैं, लोगों की माइंडसेट को प्रोग्रेसिव बनाते हैं, ताकि अच्छा लोग अपने खुद की फसल उगा सके। सुरेश जी, आप मुझे शॉर्ट भाषा में समझाना चाहोगे, आपके कॉलेज में 3 साल का कैसा समय काल रहा आपका? कॉलेज में 3 साल का बताया, मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैं एक दीपक नाम के लड़के के साथ रहा, फिर क्या हुआ कि मेरा क्या ये भटकने वाला माइंड शुरू हो गया, ये के रूम पे 2 महीने रुकता, फिर शॉर्ट मतलब कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि मतलब जिधर भी मजा आता है ना उधर मैंने वहाँ वहाँ मैं अच्छा चला जाता हूँ। सुरेश जी, शॉर्ट शब्दों में आपका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वह है कि जहाँ जहाँ दाणा वहाँ वहाँ सुरेश, हाँ जहाँ भी अगर आपके पास में भोजन की व्यवस्था हो या रहने खाने पीने हर चीज की और पूरी मेरे फैसिलिटी हो, वहाँ पर सुरेश जी जहाँ नजर पर आएंगे। मैं जाता हूँ वहाँ पे ऐसी खिल जाती है अपने आप को अच्छा, कि ये तो आपका सुरेश जी शुरू से हाँ ही बहुत मेरा बढ़िया स्वभाव रहा है है। शुरू से, और मैं हमेशा जागरूकता दिलाता हूँ समाज को, क्योंकि समाज में लोग भटक चुके हैं अभी, और मैं हाँ खुद 2-3 साल से भटक रहा हूँ इसलिए आपको बहुत बड़ी जानकारी देता हूँ कि हमेशा स्वतंत्र दिल से रहे।